हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के जून 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। हमारा पैटर्न ऑफ डिस्कशन एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद हम डिटेल देखेंगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में, क्योंकि कई बार एक्सप्लेनेशन में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इनडायरेक्ट मैनर में। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर को। अब सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में है जो कि आपका न्यूज में था। इसकी टोटल लेंथ आपको बतानी है कितने किलोमीटर है, और बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 296.07 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको पता होगा यूपी स्पेसिफिक जब आप जीके भी करते हैं उसमें भी आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ये ध्यान रखने होते हैं। सारे स्टेट हाईवेज की लेंथ आपको ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन जो न्यूज में है उसकी अगर लेंथ न्यूज़पेपर में आई है तो आप उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अविनाश कुमार अवस्थी जो हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि 19 फ्लाईओवर्स जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे बनने थे उनमें से 14 कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से आपका ये एक्सप्रेसवे न्यूज में था। जो बेतवा और यमुना रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्शन था ब्रिज का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे को कौन से एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करके रिसेंटली कंप्लीट किया गया है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया है। दैट कनेक्शन इज आल्सो कंप्लीटेड, उसको भी डन कर दिया गया है। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 296.07 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे जो है ये आपका चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जलाऊं, औरैया और इटावा इन सबसे पास होता हुआ जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इस एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली उससे पूरा बुंदेलखंड रीजन, जो कि काफी प्राइम ज्योग्राफिक रीजन है, वो डायरेक्टली आपका नेशनल कैपिटल दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा वाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब इससे फायदा क्या होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो हैवी ट्रैफिक रहता था वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, और बुंदेलखंड रीजन वाले जो लोग हैं ट्रैवल करते हैं वो डायरेक्टली नेशनल कैपिटल दिल्ली पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा ट्रैफिक रिलीज होगा जिसको दिल्ली से होते हुए नहीं भी जाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको आई थिंक अप्रैल के करंट अफेयर में भी ऐसा कुछ कर चुके हैं। ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स काफी कवर होते हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सिल्क एक्सचेंज है वो किस जगह पे जल्द ही खोला जाएगा। आपके ऑप्शन है मेरठ, मथुरा, कानपुर या फिर वाराणसी। सो इसका आंसर होगा वाराणसी पे जल्द ही सिल्क एक्सचेंज जो है वो यूपी का खोला जाएगा। सिल्क एक्सचेंज खुलने से होगा क्या, जो स्मगलिंग होती है सिल्क की इस एरिया में वो रिड्यूस हो पाएगी। स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये भी बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो वीवर्स हैं एरिया के उनको जल्द ही 6 महीने के अंदर इस सिल्क एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर देगी। क्वालिटी की सिल्क जो है वो यहाँ पे लाई जाएगी सेल के लिए सिल्क एक्सचेंज पे, जो वीवर्स हैं उनको अच्छा प्राइस मिल पाएगा। मिनिमम प्राइस जो है हर एक सिल्क का वो डेडिकेट कर दिया जाएगा ऑलरेडी। इसके बाद जो पेमेंट है वो रीलर्स को एक्सचेंज के तौर पे दे दी जाएगी, वो अपने सिल्क लॉट को ऑक्शन करेंगे। स्पोक्स पर्सन ये भी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिल्क एक्सचेंज को डिजिटाइज भी करेगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ डिजिटाइज कर दिया जाएगा, जिससे वीवर्स हैं, यार्न मेकिंग यूनिट हैं और सिल्क एक्सचेंज हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, डिजिटल मोड में कनेक्ट हो जाएंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिससे सिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वीवर्स के उनका डिस्प्ले सेल एकदम सिंगल प्लेटफॉर्म से हो पाएगा, उनकी अर्निंग अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा ये बोला गया कि एक नया इनिशिएटिव जो है उसके तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तर प्रदेश के, हम उनको इनोवेट करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो जल्द ही ई लर्निंग पार्क्स लेके आएगी इसके लिए। अब कितने डिग्री कॉलेजेस हैं स्टेट के जिनमें ये ई लर्निंग पार्क्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि कितने डिग्री कॉलेज में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। सो आंसर होगा आपका 120। अब क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ध्यान रखेंगे योगेंद्र उपाध्याय। सबसे बड़ी चीज है कि ई लर्निंग पार्क का कॉन्सेप्ट या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो ई लर्निंग पार्क जो है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उत्तर प्रदेश के उनमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, और इसमें 120 आपके डिग्री कॉलेजेस जो हैं स्टेट के वो कवर किए जाएंगे।
इन्होंने ये भी कहा कि 87 ई लर्निंग पार्क्स को सेटअप करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग जो पार्क्स हैं उनको अगले 100 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इस ई लर्निंग पार्क में होगा क्या क्या? हायर एजुकेशन इनोवेट होगी, कैसे? यहाँ पे कंप्यूटर्स दिए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शंस दिए जाएंगे, वाईफाई विद अ डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी। अबैकस यूपी पोर्टल जो है उसको भी नेक्स्ट 100 डेज में लॉन्च किया जाएगा। अबैकस बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स की कैलकुलेशन विदाउट द पेन पेंसिल सिखाता है। सो इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। स्टेट लेवल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो हैं वो अबैकस यूपी पोर्टल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बनेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनको कहा गया है कि वो अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स का डाटा अबैकस यूपी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये बोला गया कि फूड फॉरेस्ट, जो कि एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है, इसका मेन टारगेट क्या है कि हम लोग ग्रीनरी को इंक्रीज करेंगे, इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे, इसको कौन से कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा। सो क्वेश्चन सिंपल है, फूड फॉरेस्ट इनिशिएटिव को यूपी गवर्नमेंट कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इम्प्लीमेंट करेगी? इसका आंसर होगा 15। अब इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फूड फॉरेस्ट का ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, ग्रीनरी को प्रमोट करना। कहाँ कहाँ किया जाएगा? जहां पे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उन क्लाइमेटिक जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पे ये फूड फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। अब 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, फूड फॉरेस्ट यानी कि खाने का भी है काम, यहाँ पे फॉरेस्ट की जो सुविधा है वो भी मिलेगी, इसीलिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन नाम है। क्लाइमेट के हिसाब से वहां एग्रीकल्चर होगा, इसीलिए फूड फॉरेस्ट बोला जा रहा है। ग्रीनरी तो रहेगी ही, सस्टेनेबल मैनर में इकोनॉमी भी आपकी जो है वो चलती रहेगी। अब डिस्ट्रिक्ट्स जो 15 आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हैं बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, ये मैंगो बेल्ट है। अब देखिए बेल्ट आपको पक्का ध्यान रखनी है, मैंगो बेल्ट के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूछा जा सकता है ऑप्शन देके, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर। फिर गोवा बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं सांभल, रामपुर और बदाऊं। सिमिलरली फ्रूट सैपलिंग जो है उनको भी प्लांट किया जाएगा बुलंदशहर में, मेरठ में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में, शाहजहांपुर में, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में। प्लांट्स का जो सिलेक्शन होगा फूड फॉरेस्ट में उसको एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से किया जाएगा। मैंने आपको बताया ना जिस तरीके का क्लाइमेट होगा वैसा ही एग्रीकल्चर होगा, तो जैसा क्लाइमेट है वैसी ही क्रॉप उगाई जाएगी। अगर क्लाइमेट हॉर्टिकल्चर ओरिएंटेड है तो फ्रूट्स उगा दिए जाएंगे, है ना, मैंगो और मैंगो बेल्ट बन सकता है तो मैंगो उगाया जाएगा। इसमें पल्स क्रॉप जो है दालें वो भी प्लांट की जाएंगी। इनका मेन टारगेट क्या होगा? नेचुरल मैनर में नाइट्रोजन को वहां पे फिक्स करना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है कि फूड कोर्ट के थ्रू फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो पाए और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना हो। ये तभी पॉसिबल है जब हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैडी और वीट ही उगाए जा रहे हैं ट्रेडिशनल मोनोक्रॉपिंग पे, हम लोग एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे, ये टारगेट है। मैंगो, ग्वावा, पोमेग्रेनेट, पपाया सैपलिंग, इनको फर्स्ट फेज जो है फूड फॉरेस्ट का उसमें प्लांट किया जाएगा इन द गोरखपुर। सेकेंड फेज जो है उसमें जामुन, बेर प्लांट किए जाएंगे। थर्ड फेज में पल्सेस जैसे कि तुर, मूंग, उरद, पीस, ग्राम, ये भेजी जाएंगी। तो ये सारी डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड फॉरेस्ट का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे, ग्रीनरी प्रमोट करेंगे, कंजर्व करेंगे हमारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 15 जून 2022 को एक मैंडेट इशू किया गया है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ चाइल्ड के जो डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मैंडेट जारी किया गया 15 जून 2022 को, जिसमें ये बोला गया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर जो है गवर्नमेंट की, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके चाइल्ड को फैमिली पेंशन फॉर द लाइफ प्रोवाइड की जाएगी। ये कौन सी कैटेगरी ऑफ चाइल्ड के लिए है? हर चाइल्ड के लिए है, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए है या डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए है? तो इसका आंसर होगा डिसेबल्ड चाइल्ड। ये काफी अच्छी इनिशिएटिव या मुहिम कह लीजिए है, क्योंकि इससे जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनको अपने रिश्तेदारों पे या गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, उनको पेंशन मिलेगी तो उस हिसाब से उनका जीवन जो है वो चल पाएगा, और ये
मुहिम जो है इसके लिए मैंडेट जारी किया गया है और ये कंपल्सरी है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड इनकम नॉर्म्स रख दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली पेंशन, जो कि इन बच्चों को दी जाएगी अगर इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और ये बच्चे जो हैं अगर मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो इनको ये पेंशन मिलेगी। ऑर्डर के हिसाब से अगर ओवरऑल इनकम जो है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी की ये फैमिली पेंशन से कम है ऑलरेडी, तब उनको ये रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। अगर उनकी ओवरऑल इनकम ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो उनको ये जो सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो उनको जैसे ही ऑर्डर निकलेगा तब मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई एरियाज जो है वो सेंक्शन नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और पर ये पेंशन की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग के द्वारा नए रूल जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फ्रेम किए गए हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है। इन रूल्स के तहत अगर पर्सन अपना लैंड हॉस्पिटल को डोनेट करता है तो जो कंसर्न्ड हॉस्पिटल है उसका नाम उस पर्सन के नाम से, उस पर्सन की फैमिली के नाम से रखा जा सकता है। अब ये जो रूल है इनको कौन से डिपार्टमेंट जारी किया है? होम डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने या तीनों ने मिलकर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड चीज है। तो अगर आप हॉस्पिटल के लैंड देते हैं, डोनेट करते हैं, तो हॉस्पिटल का नाम आपकी फैमिली के नाम पे, आपके नाम पे रखा जा सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के सर्वे में एक्चुअल में ये पाया गया था उत्तर प्रदेश में कि अगर पॉपुलेशन जो है वो हॉस्पिटल में आसपास में एरिया में रहती है तो वहां पे मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए उनको अच्छे से हमें सुविधाएं प्रोवाइड करनी होंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने नए रूल्स निकाले थे जिसमें फिर ये तय किया गया कि अगर अच्छी खासी पॉपुलेशन है उस एरिया में तो वहां पे लैंड को एक्वायर किया जाएगा, परचेज किया जाएगा और वहां पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी रूल के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके पास अब सुविधा है कि अगर वो चाहे तो पॉपुलेटेड एरिया में खुद से लैंड खरीद सकते हैं और वहां हॉस्पिटल बना सकते हैं। फिर यहाँ ये ऑप्शन दिया गया क्योंकि वो खुद से लैंड खरीदेंगे, अगर खरीद भी रहे हैं तो, और अगर पर्सन डोनेट कर दे रहा है तो डोनेट के केस में पर्सन अगर चाहे तो हॉस्पिटल का नाम अपनी फैमिली के नाम पे रख सकता है। लैंड ऑनर जो है उसको वो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सेम अमाउंट होगा जो कि एक रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया जाता है अगर वहां लैंड डोनेट किया जाता है, ठीक है। नए रूल्स जो है उनमें ये भी बोला गया कि नया हॉस्पिटल अगर कंस्ट्रक्ट होता है तो इसको ये माना जाएगा कि कोई भी, मतलब वहां उस एरिया में लगभग 1 किलोमीटर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए वहां नया हॉस्पिटल जो है वो क्रिएट हुआ। सो इससे एक चीज क्या क्लियर हुई है कि अगर 1 किलोमीटर के दायरे में ऑलरेडी हॉस्पिटल है तो इस रूल के हिसाब से फिर वहां पे नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है विद इन द 1 किलोमीटर रेडियस तो नया हॉस्पिटल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो डिस्टेंस जो है उसके नॉर्म्स रखे गए हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रहती है जहां पे एरिया में, वहां से 1 किलोमीटर में एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। सेम डिस्टेंस के नॉर्म्स किसके लिए हैं? कम्युनिटी हॉस्पिटल के लिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए। ये यूपी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन से हाई कोर्ट ने ये बोला है एक पिटीशन को हियर करते टाइम कि जो सेशन कोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट के जो समन्स हैं उनको क्वैश नहीं कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट ने रिविजनरी पावर से वो समन जारी किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद कोर्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैजिस्ट्रेट की थोड़ी जो पावर है उसको शोकेस किया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई समन जारी कर दिया है, कोई कॉग्निजेंस जारी कर दिया है इन द एक्सरसाइज ऑफ रिविजनरी पावर जो उनके पास होता है प्रावधान, तो सेशन कोर्ट उसको रद्द नहीं करेगा। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नैनो सिलिका के बारे में। नैनो सिलिका जो है उसको फर्स्ट टाइम कंट्री में बायो सोर्स से डिस्कवर किया गया है। किस जगह पे इसकी डिस्कवरी बायो सोर्स से हुई है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम है कंट्री में, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है कोई चीज जब पहली बार होती है कंट्री में तो वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये यूपी स्पेसिफिक से है क्योंकि सारे ही डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि नैनो सिलिका फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट टाइम बायोसोर्स से कौन से स्टेट में डिस्कवर हुआ, तो आंसर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश होगा। अब यूपी में कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद। सो आंसर होगा कानपुर। कानपुर में फर्स्ट टाइम पूरे कंट्री में ये डिस्कवर किया गया है कि नैनो सिलिका बायोसोर्स से बनाया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो सिलिका को जिस बायोसोर्स से रिसेंटली डिस्कवर किया गया है वो है आपके शुगर केन के एशेस, ठीक है।
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के, ये जो शुगर केन खोई होती है वहीं से बनाया गया है नैनो सिरका। टेक्नोलॉजी जो इससे ऐश से जिससे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, ये टेक्नोलॉजी जो है इसको NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप किया था। अब ये पेटेंट हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डिस्कवर किया फ्रॉम द बायो सोर्स, या फिर इसका बायो सोर्स क्या था। तो इसका बायो सोर्स है एशिस ऑफ शुगर केन, बनाया है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने और इसको अब पेटेंट कर लिया गया है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर नरेंद्र मोहन। इन्होंने ये कहा कि नैनो सिलिका पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है और इस टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, इसको सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर शालिनी कुमारी जी के द्वारा किया गया है। इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 साल इनको लगे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, जिससे वो बायो सोर्स से नैनो सिलिका एक्सट्रैक्ट कर पाई। अभी तक नैनो सिलिका किससे बनता था, मिनरल सोर्सेस थे, लेकिन अब पहली बार पूरे कंट्री में इसको बायो सोर्स से बनाया गया है। शुगर गेन बैगेज की अगर बात की जाए, तो ऑलरेडी हम इसको शुगर मिल बॉयलर्स में फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। जो इससे ऐश निकलता है उसको हम यूज करते थे पिट की ब्रिजिंग में। सो ऐश ज्यादा अच्छी जगह पे यूज नहीं हो पाता था, तो ऐश की वजह से होता क्या था, पॉल्यूशन। एट द सेम टाइम जो शुगर मिल की कॉस्ट होती थी वो इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि उनको ये ऐश जो है ये पॉल्यूशन ना करे, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए खर्चा करना पड़ता था। लेकिन जो नैनो सिलिका पार्टिकल्स इससे रिलीज होते थे वो बेसिकली यूजफुल होते थे फॉर एब्जॉर्बिंग द पॉल्यूशन, तो इसलिए उन्होंने नैनो सिलिका को इससे एक्सट्रैक्ट करने का डिसीजन लिया। 50 लाख टन का बैगेज जो है वो शुगर मिल से कंट्री में हर साल जनरेट होता है। अगर उसको हम जला देते हैं तो 1.5 मिलियन टन का ऐश जो है वो प्रोड्यूस होता है। लगभग 3 लाख टन का सिलिका नैनो पार्टिकल जो है वो इस ऐश से ऑप्टेन किया जा सकता है। 1 किलो का जो बैगेज होता है वो बेसिक बैगेज ऐश जो होता है वो 20% नैनो सिलिका पार्टिकल जनरेट करता है। काफी इमेंस कैपेसिटी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट टू रिसोर्स, क्योंकि हमने एक वेस्ट चीज से रिसोर्स एक्सेप्ट करके दिखाया। वेरी वेरी कमेंडेबल थी। नैनो सिलिका पार्टिकल्स को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेंट, बैटरी इंडस्ट्री, इन सब में यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन लिथियम आयन बैटरी नैनो फर्टिलाइजर में होती है। इस पे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री देखे कि कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं होता या होता है। तो फार्मास्यूटिकल में, पेंट में, बैटरी इंडस्ट्री में, लिथियम आयरन बैटरी में, नैनो फर्टिलाइजर में नैनो सिलिका पार्टिकल यूज होता है। एंड नाउ इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बायो रिसोर्स, और वो बायो रिसोर्स है एशेस ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 150 हाईटेक नर्सरीज को सेटअप करने का डिसीजन लिया गया है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस करके सेटअप की जाएंगी, ये आपको बताना है। इसको एमजी नरेगा के तहत एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नर्सरी है तो ऑब्वियसली ये हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करेगी, लाइवलीहुड जो है रूरल लाइवलीहुड उसको इम्प्रूव करेगी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, आपके ऑप्शन है अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, इजरायली। अगर आपको ध्यान हो तो इसका जो आर्टिकल था न्यूज़ का, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले करंट अफेयर में, लेकिन ये फिर से दोबारा न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसराइली। सो ये जो 150 हाईटेक नर्सरीज हैं इसराइली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी। इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं, पूछा जा सकता है टू प्रमोट द हॉर्टिकल्चर। इसको डिवेल्प किया जाएगा अंडर एमजी नरेगा स्कीम। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है हाईटेक नर्सरी की वो कितनी होगी, 1 करोड़ रुपया। स्कीम के तहत 2 हाईटेक नर्सरीज जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेवलप की जाएंगी, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फ्रूट्स उगाए जाएंगे, जैसे कि प्लम हो गया, जैक फ्रूट, लेमन, मैंगो, गुआवा, मोरिंगा, ड्रैगन फ्रूट। ये 150 हाईटेक नर्सरीज जो हैं इनको सेटअप किया जाएगा स्टेट के एग्रीकल्चर साइंस सेंटर्स में। इसका मेन फोकस क्या होगा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं वहां इनको सेटअप करना, वहां पर रिसर्च सेंटर्स खोलना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन में ये सब किया जाएगा, और वहां पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा, ताकि वो हाईटेक नर्सरी से ट्रेनिंग लेके हॉर्टिकल्चर के ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा सके। ये नर्सरी जो है यहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग होगी, इरिगेशन की फैसिलिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हाईटेक ग्रीन हाउसेस का। इसको जो क्लस्टर है CLF जैसे हो गया आपका, उसके थ्रू मेंटेन भी किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो क्वालिटी प्लांट्स उगाने में
योगदान करेंगे, हाईटेक नर्सरीज के बीज उगाने में योगदान करेंगे, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी वहां पर डेवलप किया जाएगा। क्वालिटी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एडिक्वेट जो क्रॉप हैं उनको भी उगाया जाएगा, उन पे फोकस किया जाएगा, वो वाली क्रॉप जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर कल्टिवेशन का जो एरिया है उसको इंक्रीज करेंगे। आज के टाइम पे 11.6% है, हम इसको 16% करेंगे। और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से फूड प्रोसेस करके कोई चीज बनाते हैं, उनकी संख्या को हम 6% से 20% करेंगे। ये अगले 5 साल में किया जाएगा। इससे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्पाइसेस हैं उनका कल्टीवेशन, उनके फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स, ये सब बढ़ पाएंगे। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है उसको भी सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? बस्ती और कन्नौज में। ये आपको ध्यान रखना है, वहां से फार्मर्स को क्वालिटी सैपलिंग्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने यंगस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के जो कि इंडियन आर्मी में पासिंग आउट परेड के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। आपका ऑप्शन है 23, 50, 46 या 34। सो इसका आंसर होगा 50। सो 50 यंगस्टर यूपी से अब ऑफिसर्स बन चुके हैं। टोटल 377 कैडेट पूरे कंट्री से और अब्रॉड से पार्टिसिपेट करते हैं परेड में, और टोटल 288 जेंटलमैन कैडेट जो हैं वो 150 रेगुलर कोर्सेज के लिए एनरोल होते हैं, 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होते हैं, और फिर इंडियन आर्मी में ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। 89 जेंटलमैन जो कैडेट होते हैं वो 8 फ्रेंडली कंट्री से पास आउट होते हैं और रिस्पेक्टिव कंट्रीज की आर्मी को जाके ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रेंडली कंट्रीज में 43 कैडेट जो हैं वो अफगानिस्तान से, 18 भूटान से, 1 किर्गिस्तान से, 3 मालदीव से, 1 नेपाल से, 3 श्रीलंका से, 19 तजाकिस्तान से और 1 तंजानिया से पास हुए। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इस टेबल में, जिसमें कि स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेशन होता है जेंटलमैन कैडेट का वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेशन होता है जेंटलमैन कैडेट में उसमें टॉप किया है। ये है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि 50 जो ऑफिसर्स हैं जेंटलमैन कैडेट के वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तराखंड से हैं 33 जेंटलमैन कैडेट, सेकेंड है उत्तर उत्तराखंड, बिहार है आपका थर्ड, हरियाणा है आपका फोर्थ। तो ये आपको पक्का ध्यान रखना है, ये जो लाइन है इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। टोटल आपके 2724 कैडेट हैं, ये 34 फ्रेंडली कंट्रीज से हैं जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अभी तक पास होके जा चुकी हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है उसने अभी तक 63,568 मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग के बाद कंट्री को प्रोवाइड किए हैं, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जेंटलमैन कैडेट हैं। तो हमें समय लगता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की वो इंडियन आर्मी को विद जील ज्वाइन करने के लिए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कैंट स्टेशन जो है इसको ग्रीन रेटिंग IGBC के द्वारा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी काफी ज्यादा है, गार्बेज मैनेजमेंट अच्छा है और क्लीनलीनेस ज्यादा है। आपके ऑप्शन है कानपुर कैंट स्टेशन, मथुरा कैंट स्टेशन, मेरठ कैंट स्टेशन या फिर आगरा कैंट स्टेशन। इसका आंसर होगा आगरा कैंट स्टेशन। ग्रीन रेटिंग IGBC के द्वारा दी जा रही है। आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी हमारे कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है, जिसके तहत हम लोग अपने देश को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है ये 2014 में लॉन्च हुआ था मिशन, अब हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग ODF प्लस अटेन करेंगे। अगर पूछा जाए ODF प्लस क्या है, तो ODF प्लस में हम ना केवल ओपन डिफिकेशन फ्री करेंगे हमारे कंट्री को, बल्कि हम लोग जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है उसको भी मैनेज करेंगे, और बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग द टॉयलेट यूजेस उसको भी प्रमोट करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग वेस्ट डिस्पोजल जो है उसके प्लांट्स को भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो स्वच्छ भारत के साथ मिलता जुलता ही ये ग्रीन रेटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे किसी कैंट स्टेशन को ऐसे ग्रीन रेटिंग दी जाती है तो उनको स्वच्छ रहने के लिए और उत्साह जो है वो मिलेगा, वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, उनमें उत्साह आएगा। तो ये ग्रीनरी, गार्बेज मैनेजमेंट और क्लीनिनेस में अच्छा कर रहे थे, इसलिए आगरा कैंट स्टेशन जो है उसको ये ग्रीन रेटिंग दी गई है।
सो आगरा कैंट स्टेशन की ये जो ग्रीन रेटिंग है, इसके लिए आगरा कैंट स्टेशन काफी पिछले 2 सालों से लगातार अपने प्रिमाइसिस को ग्रीन रखने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार इन्होंने ग्रीन रखा अपने प्रिमाइसिस को, सक्सेसफुल रहे। लोको पायलट्स के लिए जो खाना होता है, गार्ड्स के लिए जो खाना होता है यहाँ पे, वो बायोगैस प्लांट से बनाया जाता है। ये बायोगैस प्लांट जो है, ये जो स्टेशन का रनिंग रूम है वहां पे रन करता है। तो बायोगैस है, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा वो वाला। इसमें फूड कुकिंग के लिए गैस यूज किया जाता है या फ्यूल यूज किया जाता है, तो इस वजह से भी ग्रीन है। वेस्ट जो कलेक्ट होता है स्टेशन से, उसको वहीं यूज कर लिया जाता है। बायोगैस प्लांट जो है बेसिकली वो यमुना रेस्ट हाउस पे ऑपरेट करता है। सोलर पावर भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, बहुत अच्छी चीज है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है बाकी स्टेशन के लिए कि किस तरीके से स्टेशन के वेस्ट को वहीं पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टेशन में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको वो लोग फेंकते नहीं है, उससे गंदगी नहीं मचाते, उससे बायोगैस प्लांट में उसको यूज कर लेते हैं। सोलर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सोलर पावर को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा होता है, वहां पे सोलर पावर के लिए सोलर पैनल लगाने की बहुत जगह है। तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। प्रेजेंट में टारगेट रखा है इन्होंने कि ये 100 सैपलिंग जो है वो स्टेशन के केवल प्रिमाइसिस में ही लगा देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेशन के सुपरिटेंडेंट की कि वो इन प्रिमाइसिस पे लगी हुई सैपलिंग्स का ख्याल रखेंगे। अब जो ट्रेन के कोचेज होते हैं उनको वॉश कर दिया जाता है, और कोच वॉशिंग जो प्लांट है वो स्टेशन वार्ड के बिल्कुल पास ही है जहां से इसकी वॉशिंग होती है। फिर वॉश करने के बाद जो पानी होता है उसको वेस्ट नहीं किया जाता। कोच अगर धुल गए, वो जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? चैनल्स के थ्रू उन प्लांट्स में जाएगा जो कि आस पास में प्रिमाइसिस में लगे हुए हैं, विच इज अगेन गुड थिंग। रेलवे जो है उनके द्वारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक टाई अप किया गया है। इस टाई अप के थ्रू गार्बेज को वो प्रॉपरली मैनेज करते हैं। गार्बेज मैनेज करने के लिए गार्बेज को सेग्रेगेट किया जाता है, वेस्ट को अलग कर दिया जाता है लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को। सॉलिड वाला तो बायोगैस में जाके यूज हो जाएगा, लिक्विड वाले को म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू डिस्पोज ऑफ करवाया जाता है। गार्बेज को सॉर्ट आउट करने के बाद इसका जो डिस्पोजल का काम है फिर वो म्यूनिसिपैलिटी का होता है। सो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है अगर हम स्वच्छता के रिगार्डिंग बात करते हैं, आगरा कैंट स्टेशन। सो अपने आप में ये एग्जाम्पल है, बाकी स्टेशन जो हैं ऑल अक्रॉस इंडिया उनको भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही हम जून के सेकेंड पार्ट के साथ अपने इस जून मंथ को एंड करेंगे। तो अगर क्वेरी है तो इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।